हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट के बारे में सबसे पहले। एंड अगर आप यूपीएससी ज्वाइन करते हो, इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस ज्वाइन करते हो, सो आपके मैक्सिमम किस लेवल तक आप पहुँच सकते हो, टोटल कितने लेवल हैं यहाँ पे और हर एक लेवल पे क्या सैलरी पैकेज ऑफर होती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, सो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे डाउनलोड करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपका एक सिंगल क्लिक सब्सक्रिप्शन बटन पे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सो जितने ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा एंड उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोज रिकॉर्ड करूँगा। सो मैं स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो मेरे पास यूपीएससी की साइट ओपन है। यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी है जो अभी आई है, और इस वैकेंसी में जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट के ऊपर, सो अभी करेंट इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, क्या सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं, वो चीज़ जस्ट मैं आपके साथ एक ब्रीफ एक समरी में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वैकेंसी यूपीएससी ने पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 इन्होंने बताया है, जिसमें अनरिजर्व 8 है, बाकी हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एज की बात करूँ, सैलरी की बात करूँ, तो सैलरी का जो आपका बेसिक है वो 56,100 से स्टार्ट होकर 1,77,500 तक का है। ये आपकी बेसिक है। इसके बाद HRA, DA, बहुत सारा अलग अलग अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो 35 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट, मतलब मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होगी। और इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसेंशियल का मतलब होता है कंपलसरी क्वालिफिकेशन, जिसमें जो लोग चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मेंबर हैं अपनी अपनी बॉडीज का, वो यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा डिजायरेबल में क्या है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस से अगर आपने एजुकेशन किया है या फिर आपने रेगुलर से एजुकेशन किया है, तो वो दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो एक एड ऑन होगा आपके लिए और इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे सिलेक्शन होने की। आपके वर्किंग एरिया कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। प्रोविजन पीरियड आपकी 2 ईयर्स होगी, यानी 2 साल तक आप प्रोविजन पे रहोगे, 2 साल के बाद ही आपकी परमानेंट जॉब होगी। सो ये सारी कंडीशंस थी यहाँ पे। इसके अलावा मैं बात करूँ कि यहाँ अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए ये मैं यूपीएससी के साइट पे हूँ, एंड आपको यूपीएससी के साइट पे आना है। यहाँ पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, कंट्रोल एफ प्रेस करना है और कॉस्ट को टाइप कर दो और इंटर कर दो, तो जहाँ जहाँ कॉस्ट वर्ड होगा वो फिल्टर होकर आपके पास आ जाएगी। सो यहाँ पे देखो, ये 2 वैकेंसी है, एक 2016 की, एक 2015 की, इनके सामने इनके क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखो, एक और भी है, ये 2018 की है, तो 2018 में भी 10 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, उसके क्वेश्चन पेपर इसके सामने है। आपको क्वेश्चन पेपर इस फॉर्म में मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में। आप आराम से उस क्वेश्चन को देख सकते हो, समझ सकते हो और इस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आप इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस को ज्वाइन करते हो तो डिफरेंट लेबल्स क्या है यहाँ पे, तो मेरे पास एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप देख सकते हो, ये एक 2016 का पीडीएफ है। 16 दिसंबर 2016 को ये इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम है इनका, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। DOPT नोटिफिकेशन नंबर डेट इतना हैज इशूड इंस्ट्रक्शन टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू अमेंड द सर्विस रूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सब स्टूटिंग द एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे बाई न्यू पे स्ट्रक्चर। सो ये एक तरीके से न्यू पे स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने अर्जी बोल सकते हो आप डाला था, जिसके बाद ये पे स्केल चेंज हुआ है और यहाँ पे क्राइटेरिया भी चेंज हुआ था इसके बाद ही। अब यहाँ पे क्या पे स्केल है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं इसको मैच करवा देता हूँ सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट पे अगर आप फायर होते हो तो लेबल 10 लिखा हुआ है एंड 56,100 से 1,77,500 की आपकी
पे स्केल रहेगी सेम अभी करेंट की वैकेंसी पे यही था, एंड ए बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और यहाँ पे एज लिमिट वो सारी चीज़ें सेम है जो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो कंपलसरी इसेंशियल सब कुछ आपको सेम मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब लेवल्स पे अगर आप जाते हो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है पे स्केल असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट का है, जो सबसे फर्स्ट लेवल है। इस लेवल पे जो पे है आपकी 56,100 से 177,500 है। फिर आप डिप्टी डायरेक्टर बनोगे, वहाँ पे 67,700 से 208,700 है। फिर आप ज्वाइंट डायरेक्टर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एडवाइज़र बनोगे, एंड उसके अलावा फिर हायर प्रिंसिपल एडवाइज़र कॉस्ट, एडिशनल चीफ एडवाइज़र कॉस्ट एंड चीफ एडवाइज़र कॉस्ट। तो जो सबसे टॉप लेवल है चीफ एडवाइज़र कॉस्ट, वहाँ पे आपको फिक्स है 225,000 का, जो आपका लेवल 17 है। इसके अलावा हर एक डिफरेंट लेवल पे आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रही होगी, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पे स्केल्स हैं इन्होंने दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक लेवल से अगर आप दूसरे लेवल पे जाते हो तो उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, प्रमोशन से जाओगे या फिर आपको डायरेक्ट हायरिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो, फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी जो आपकी डायरेक्ट थी पब्लिक के थ्रू, यानी आपको यूपीएससी ने ऑफर निकाला, एडवर्टीजमेंट किया, आप अप्लाई करो, एग्जाम क्लियर करो, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाओ। जो डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर का लेवल है उसमें आपको प्रोमोशन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर में भी प्रोमोशन से ही आपका सिलेक्शन होगा, और सबके साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लिमिट दे रखा है, 4 ईयर्स आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे 5 ईयर्स काम करना है, ठीक है। ये सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टर कॉस्ट की बात करो तो यहाँ पे 5 ईयर्स मांगा गया है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अगर आपने काम किया है इस पार्टिकुलर लेवल पे तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसमेंट सब्जेक्ट टू सुटेबिलिटी, यानी यहाँ पे बाय प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा ज्वाइंट डायरेक्टर से। अगर आप डायरेक्टर कॉस्ट बनते हो तो बाय प्रमोशन से भी आपका हो सकता है, या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है और वो भी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू आपकी प्रोफाइल सुटेबल होनी चाहिए इनकी क्राइटेरिया में। इसके बाद अगर आप इससे ऊपर लेवल जाते हो तो नेक्स्ट है एडवाइज़र कॉस्ट का, जो बाय प्रोमोशन ही होगा। अगर आप नीचे लेवल पे अगर आपने 8 ईयर्स काम किया है तो आप बाय प्रोमोशन से इस लेवल पे सिलेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो नेक्स्ट लेवल है प्रिंसिपल एडवाइज़र कॉस्ट, ये भी आपकी बाय प्रमोशन होगी, बाय प्रमोशन से आपका यहाँ भी सिलेक्शन होगा लेवल 15 पे। एंड एडिशनल चीफ एडवाइज़र कॉस्ट जो है यहाँ पे लेवल 16 है, जो भी बाय प्रमोशन से ही आपका होगा, ठीक है, बाय प्रमोशन से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें थी प्रमोशन सिलेक्शन, एंड सबसे लास्ट थी चीफ एडवाइज़र कॉस्ट जो लेवल 17 था, यहाँ पे बाय प्रमोशन फीलिंग विच बाई डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखे शॉर्ट टर्म, एंड उसके बाद आपको रेगुलर कर दे, ठीक है। तो यहाँ भी सिलेक्शन होता है बाई प्रमोशन से। यहाँ पे सबके सामने आपको फील्ड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन था, जो मैंने आपको सब बता दिया है। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छा लगे, मैंने क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो बता दिया, अभी लेटेस्ट की वैकेंसी आपके साथ डिस्कस कर दी। इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हो कि क्या क्या काम होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना रखी है, तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो में कुछ अलग सा ज़रूर मिला है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।